पर हिजबुल्ला पर इसराइल पिछले 45 दिनों से लगातार भीषण हमले कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हिजबुल्ला बिना रुके दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इसराइल पर जबरदस्त रॉकेट हमले कर रहा है। अब हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने उत्तरी इसराइल पर 50 क्यूत्सा रॉकेट से हमला किया है, जिसकी वजह से इसराइल को भारी नुकसान हुआ है। मार दिए इसराइली हिजबुल्ला का बदला। हिजबुल्ला पिछले 2 महीने से इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में था, लेकिन हिजबुल्ला के रॉकेट सफल नहीं हो पा रहे थे। अब की बार हिजबुल्ला ने ऐसा भीषण हमला इसराइल पर किया कि उत्तरी इसराइल में पिछले 10 दिन में पहली बार इसराइली नागरिक मारे गए। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने भी पहली बार उत्तरी इसराइल के रिहायशी इलाके पर हमला किया है। हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल के एक शहर पर रॉकेट दागे। इससे पहले इसराइल ने लेबनान के एक शहर पर हमला किया था, जिसमें लेबनान के 3 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। हिजबुल्ला की ओर से कहा गया है कि उसने दुश्मन के हमलों का जवाब देते हुए क्रियात शमोना पर रॉकेट दागे। लेबनान के फ्रॉन गांव में इसराइली हमले में 3 लोगों की मौत के जवाब में हिजबुल्ला ने हमला किया है। दूसरी तरफ IDF का दावा है कि रात भर में उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला ने 50 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्ला ने फलाक मिसाइलों से इजरायली बस्ती को निशाना बनाया है और उत्तरी इसराइल के अलग अलग जगहों पर दर्जनों रॉकेट दागे। ज्यादातर रॉकेट्स को इजरायली एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया है, लेकिन सुबह से उत्तरी इसराइल में सायरनों की आवाज सुनाई दे रही है और लोग बॉम्ब शेल्टर्स में रहने को मजबूर है। لأنه كان يريد أن يعزل جبهتنا عن جبهة غزة كان يريد أن يخفف ثقل العبء लगभग 11 महीने से गजा जंग चल रही है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद 8 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्ला ने भी दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए थे। जुलाई के आखिरी हफ्ते में इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के कमांडर फुआद शुक्र की हत्या करके आग में घी डाल दिया, जिसके बाद से हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला ने इसराइल से बदला लेने के लिए हमलों की झड़ी लगा दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने हिजबुल्ला पर जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल सेना ने लेबनान में कई जगह स्ट्राइक की है। इजराइल सेना का कहना है कि वो हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस हमले में हिजबुल्ला को बड़ा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने एटरॉन, मारून अल रास और यारून के क्षेत्रों में हिजबुल्ला सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। चाहे गजा युद्ध हो, चाहे हिजबुल्ला से युद्ध हो या फिर ईरान से इजराइल की जंग हो, अभी तक इसराइल, हमास, हिजबुल्ला और ईरान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन में देखा जा रहा है कि हिजबुल्ला और हमास की तरफ से इसराइल पर बेहद सटीक और घातक हमले किए गए हैं। हैरानी की बात तो ये कि इस बार इसराइली कमांडर्स भी ये मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास और हिजबुल्ला ज्यादा घातक मिसाइलों और रॉकेट से हमला कर रहे हैं। इन खौफनाक हमलों के पीछे एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इसराइल की वॉर टीम के होश फाख्ता कर दिए हैं। हिजबुल्ला ने दिखाई मिसाइल सुरंग। जरा हिजबुल्ला के इस वीडियो को देखिए, जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्ला के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्ला के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्ला की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिला ऊंची है। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्ला के वीडियो में नई इमाद फोर सुरंग दिखाई गई है। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी, लेकिन पहली बार हिजबुल्ला ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इसराइल और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्ला ने इसराइली सेना पर हमले तेज किए हैं। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्ला ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इसराइल पर हमला करने के लिए खोल दी हैं। जमीन के नीचे से हमला, जमीन के ऊपर इसराइल तबाह। 30 जुलाई को हिजबुल्ला के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र की इसराइल ने बेरूत में जबरदस्त हवाई हमले में हत्या कर दी थी। 31 जुलाई को हमास चीफ हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली एजेंटों ने धमाका करके मार दिया।
इन दो हत्याओं के लगभग 32 दिन के अंदर ईरान और हिजबुल्ला ने इसराइल का सर्वनाश करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई है कि इसराइल के टॉप कमांडर भी चकरा गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला इसराइल को उसी के अंदाज में मनोवैज्ञानिक युद्ध में फंसा रहे हैं। जरा देखिए हिजबुल्ला किस तरह से हमले इसराइल पर लगातार 8 दिन से कर रहा है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्ला इस वक्त उत्तरी इसराइल पर जबरदस्त हमले कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में मौजूद इजरायली सेना के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्ला ने कत्यूशा और बुरकान मिसाइलों से हमले किए हैं। खुद इजरायली सेना ने माना है कि हिजबुल्ला सीरियल मिसाइल अटैक में जुटा है। दावा किया गया है कि हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में सैन्य ठिकानों पर लगातार 90 मिनट तक मिसाइलें और रॉकेट से हमले किए हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्ला ऐसे रैपिड मिसाइल अटैक से इजरायल के एयर डिफेंस को डिकोड करने में जुटा है। हमास, हिजबुल्ला और ईरान ये तय कर चुके हैं कि इजरायल पर एक साथ मिलकर बड़ा हमला करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख मिसाइलें और रॉकेटों का भंडार है, जिनमें से कुछ लंबी दूरी तक मार करने वाली हैं। मसलन अगर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो इसराइल के आयरन डोम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइलें इसराइल के अंदर ठिकानों को निशाना बनाने में कारगर है। इजरायली सेना जो कि फिलहाल गाजा में है, वो दक्षिण और उत्तर में एक साथ दो मोर्चे पर जंग लड़ने में सक्षम नहीं होगी, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इसराइल तीन तरफ से हमले से कैसे निपट पाता है। और उस वक्त एक बड़ी खबर मंडला से है, जहां गोंडवाना गढ़